हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई अभी मैं निकला था इस्कॉन के लिए, मम्मी साथ में थे, मम्मी को ड्रॉप किया इस्कॉन में, तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया। मैंने कहा आज के भी दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है तो वीडियो स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज है संडे, कल है उड़न षष्ठी का प्रोग्राम, तो आज भी जितना हो सकता है काम समेटते हैं। कल शाम का प्रोग्राम है तो अभी चलो चलते हैं, एक दो काम है वो भी निपटाने। यहाँ पर भी नगर कीर्तन जा रहा है, पूरा जाम लगा हुआ है रोड पर। वैसे हमारा काम पूरा कम्प्लीट हो गया, मैं जा रहा हूँ अभी डिकैथलॉन पे कुछ सामान लेना है, वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा, कुछ सरप्राइज है। पूरा भाई लंगर लुंगर सेवा चल रही है, पूरी बढ़िया जय हो। पहुंच गया हूँ डिकैथलॉन, यहाँ पे कुछ सामान लेना है, जरूरी है थोड़ा, इसलिए भाई यहाँ पे आया हूँ मैं। बस गाड़ी लगाने की जगह मिल जाए, नहीं तो बेसमेंट में लगानी पड़ेगी। यार इतना जाम है आगे, क्या सेल सुल लगी हुई है क्या? चल भाई सेल में कुछ मिल जाएगा बढ़िया अपने लिए। तो इतनी जाम है यार, इतना ज़्यादा जाम, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भाई हमारी तो परिक्रमा करवा दी डिकैथलॉन वालों ने, ऐसा ही है भाई, हमारी भी लगा दे भाई। मिल गई भाई, मिल गई जगह, मिल गई भाई ने जगह दे दी। जैसे लगी है ना वैसे लगा देना गाड़ियाँ, यहाँ पे लगा दी, बिल्कुल पीछे लगाई है मैंने। डिकैथलॉन ये सामने, इसके पीछे, ये पार्किंग नहीं है कोई, लेकिन लगा दी यहाँ पे। आज तो मेरे को लग रहा है अंदर भीड़ इतनी है ना, देखना अभी गाड़ियाँ जा ही जा रही हैं, तो अच्छा हमें मिल गई, पता चल भाई चल। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ दिनों में उड़न षष्ठी निकलने दो, कल है उड़न षष्ठी, उसके बाद ना कुछ अच्छा मिलेगा देखने के लिए आपको। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए भाई एंट्री हो गया अपनी अब। ओह भाई आज तो नहीं मेरे को लगता कुछ दिखता, भाई भरा पड़ा आज तो भाई बंदा। तो भाई हो गया है यहाँ से फ्री, बस निकल रहे हैं। तो चलो सामान काफ़ी सारा लिया यहाँ से, बस निकल रहे हैं अभी। आज ना सारी की सारी जगह जाम है, यहाँ पे भी जीरकपुर में भी पूरा जाम है भाई भर के। अभी मैं जा रहा हूँ क्रॉकरी की शॉप पे, क्रॉकरी लेनी है थोड़ी, निकल रहे हैं शॉप से, क्रॉकरी थोड़ी सी ले ली, किचन का सामान जरूरी था। यहाँ तो भाई पांडे ने रौनकें लगा रखी हैं, ओ भाई रौनकें, फोटो फोटो खींच रहे हैं पांडे के साथ। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम शकरकंदी छोड़ दें, मिलगी तो खाएंगे। और छली उसमें रखी हुई है, छली है उसमें, वो भी खाएंगे। भाई अपनी हो रही है तैयार शकरकंदी विदाउट चटनी, क्योंकि गला खराब है। नींबू डाल दो ना। हाँ नींबू, और भाई इतनी भीड़ में ना निकलने का दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, फंस फूस जाएगी, वैसे टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा शकरकंदी खा ली जाए पहले, खा के फिर निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। मैं भी जीरकपुर में हूँ और बहुत जाम है, और बीच में नगर कीर्तन निकल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है सारा, इसलिए बहुत जाम है। चलो भाई निकल गए, अब हम निकल गए भाई, निकल गए, चलो भाई चलो, मतलब सीधा चंडीगढ़ चलते हैं, बहुत जाम था भाई अंदर, ना होगी ना। तेल भी कम हो गया गाड़ी में बिल्कुल ही, तो अब मैं जा रहा हूँ पहले तेल डलवाने के लिए, मामू का ही फ़ोन आ गया, तो मुझे जाना है सुबह सुबह जगन्नाथ टेम्पल, मतलब फैमिली को सारे को ही, और ड्रेसेस लेके जानी है, जो भी बोलेंगे वो चीज़ें लेके जानी है। सुबह 5:30 बजे का टाइम है, 5:30-6 बजे का निकलना है घर से। तो अब मैं सोच रहा था पहले कि मैं घर जाऊं और गाड़ी रख के साइकिलिंग के लिए निकल जाता हूं, 1 घंटा करके साइकिलिंग आ जाऊंगा, लेकिन मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9:45 हो गए हैं। तो भाई घर पहुंचने मेरे को 9 बज ही जाएंगे, एडिटिंग भी करनी है, वही 1.5-2 घंटा लगा के चलो वही भाई टाइम हो जाएगा, तो मैं जाके सोऊंगा अभी, मतलब एडिटिंग करने के बाद, मतलब तेल डलवाते हैं गाड़ी में, पेट्रोल कम हो गया बिल्कुल, टंकी बोल गई है इसकी, तो चलते हैं फिर, है ना, फिर घर चलते हैं। घर पे आके एडिटिंग करने के लिए बैठ गया हूँ मैं, और मामू का दोबारा फ़ोन आ गया कि मंगला आरती है जो, वो है 5:30 बजे, तो हमें 5:15 बजे किसी भी हाल में जगन्नाथ टेम्पल सुबह पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि मामू बोल रहे हैं बाहर के जो अर्चक विग्रह हैं उनके जो ड्रेसेज है वो हम पहनाएंगे, तो कह रहे नहा के आ जाइए। मैंने कहा हाँ नहा के आऊँगा सुबह सुबह, तो यार कौन मिलना चाहता है वो भी मंदिर में, तो मैंने कहा चलो मैं अब मिलता हूँ।
तो भाई ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज भी काफ़ी सारे काम किए और कल सुबह से व्लॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा। कल आपको सारी की सारी जो भी एविडेंस हिस्ट्री की जैसे जैसे भी होता है एविडेंस हिस्ट्री में, सारा सारा आपको व्लॉग के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना।